मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौराहा के बुगली गांव में बारात के दौरान वर और वधु पक्ष के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि यह विवाद शराब पीने को लेकर हुआ था। दरअसल बुगली गांव में 25 जून की रात बारात आई थी और इस दौरान शराब पीने को लेकर बाराती और वधु पक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बारातियों ने कार से वधु पक्ष के लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया था, साथ ही मारपीट में 8 लोग घायल भी हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 जुलाई को बजट पेश करना चाह रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरसिंह घोटाले की आवाज को दबाने के लिए सरकार 3 जुलाई को ही बजट पेश कर रही है। साथ ही उमंग सिंगार ने यह भी कहा कि यह बजट 2 या 4 जुलाई को इसलिए पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि 3 जुलाई को सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभी भी देश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले में राज्यसभा सांसद फूलो देवी सदन में नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थ्योंथर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने पूरे मध्य प्रदेश के परीक्षा परिणाम में पहला स्थान हासिल कर पूरे पंचायत समिति जिले का नाम रोशन किया। सफलता के बाद रागिनी ने अपने अभिभावक एवं अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक्ट्रेस हिना खान ने अपनी सेहत से जुड़ी एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, वह भी 3rd स्टेज पर। हालांकि उन्होंने बताया कि उनका इलाज चल रहा है और वह ठीक है। उन्होंने लोगों से प्यार और दुआ की कामना की, साथ ही कहा कि उनकी स्थिति अभी बेहतर है लेकिन उन्हें अभी लोगों का प्यार और दुआ की जरूरत है। रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वह T20 विश्व कप में 1000 से अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि रोहित शर्मा ने T20 में 4 शतक और 21 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, जो 118 है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 50,000 के 2 मुचकले पर जमानत दी गई है। कुछ समय पहले आइसक्रीम कोन में निकली उंगली कांड काफी चर्चा में थी। दरअसल इस कांड में एक व्यक्ति को एक आइसक्रीम में किसी इंसान की उंगली का मांस का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद सोशल मीडिया में खलबली मच गई थी। बहरहाल जांच के दौरान किए गए डीएनए परीक्षण का परिणाम आ चुका है। डीएनए जांच रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के मलाड इलाके में आइसक्रीम कोन में मिली उंगली का सिरा पुणे के इदापुर में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी का है। इन दिनों झारखंड में बारिश आंख मिचौली का खेल खेल रही है, लेकिन बता दें कि बंगाल की खाड़ी में मॉनसून लगातार अपने दबाव बना रहा है, जिससे साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड व बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 30 जून तक पूरे झारखंड में मॉनसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज अहले सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बारिश के कारण टर्मिनल की छत नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरी, जिससे कुछ लोग दब गए। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर जरूरी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 9 व्यक्ति घायल होने की सूचना है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मॉनसून लगभग एक्टिव हो चुका है। वहीं आज एमपी में अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में आंधी और गरज चमक की भी संभावनाएं जताई गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। सीबीआई कस्टडी में जाने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गीता घर का बना खाना और बेल्ट की डिमांड की थी, जिसे कोर्ट द्वारा मान लिया गया। उन्होंने अदालत में कहा था कि उन्हें जेल में चश्मा, दवाइयां, घर के बने खाने, गीता और साथ में एक बेल्ट की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेल्ट की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि तिहाड़ में बेल्ट न होने की वजह से उन्हें अपने पैंट पकड़ कर चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्म आती है। भारत के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बता दें कि भारतीय टीम यह तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। गौरतलब है कि भारत पिछली बार भी फाइनल में पहुंच गया था। जयदू के राष्ट्रपति अध्यक्ष नरेश कुमार ने अचानक अपना फैसला बदल लिया है। अब 29 जून को दिल्ली में जयदू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। इस बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली सियासी हलचल तेज है। यह चर्चा है कि नीतीश कुमार किसी को जयदू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जिस महिला की हत्या हुई
उसका शव घर से 50 मीटर की दूरी पर खेत में मिला था। आरोपी ने पहले महिला का रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह इसमें नाकाम रहा तो उसने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। उसके बाद हत्या के बाद महिला के शव का रेप किया।